हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं ये ब्लाउज का बंडल लेकर आई हूँ <laughs> ब्लाउज़ का बंडल इसलिए बोला क्योंकि ये वो ब्लाउज है जो किसी कस्टमर के हैं जो मुझे स्टिच करने के लिए मिले हैं ये सब के सब सिंपल ब्लाउज ही हैं या जो है लोग सिंपल ही पहनना पसंद करते हैं मोस्टली डिज़ाइनर तो कम ही हुए हैं डिज़ाइनर मैं खुद के ही बनाती हूँ वही मैं अपने साथ शेयर करती हूँ तो इसमें मैं आप इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ब्लाउज स्टिच किया हुआ ब्लाउज़ जो होता है उसका नाप हम कैसे लें क्योंकि स्टिच किया हुआ और बॉडी से लिया हुआ नाप में हमेशा डिफरेंस होता है स्टिच में लूजिंग ऐड होती है और बॉडी से लिया हुआ नाप जो होता है वो ऐड नहीं होता है बॉडी से नाप लेकर ब्लाउज कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी मैंने बनाया था उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले मैंने लेंथ ली है लेंथ ये गर्म ब्लाउज है तो इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा आई थी तो मैंने एक्स्ट्रा ली है तो और चेस्ट को कैसे नापना है मेन तो चेस्ट होता है चेस्ट को हमने नापना है पहले तो आप ब्लाउज़ के हुक्स को अच्छे से बंद कर लीजिए और फिर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके ही आप नापिए चेस्ट को इसका हाफ़ ही हाफ मार्जिन आएगा और जो तीरा जो हम नापते हैं उसको एकदम सेट करके रख लीजिए फैला के नेक को मत रखिए स्ट्रेट करके रखिए और मार्जिन को ऐड करते हुए आपको तीरे को नापना है दोनों स्लीव्स में जो तीरा की स्टिच किया गया है उस मार्जिन को ऐड करते हुए नापना है जितना आपका आएगा उतना आप लिख लीजिए और यहाँ से मैंने बस्ट पॉइंट लिया है बस्ट पॉइंट जहाँ पे डार्ट की एंड होगी यानी नीचे से जो मेन डांट बनी है जहाँ तक बनी है वहाँ तक आपको नापना है शोल्डर से और शोल्डर के बिल्कुल जहाँ नेक होता है वहाँ से ही आपको लेंथ नापनी है और फ्रंट योक भी आपको नापना है जो कि मैंने अभी अभी नापा है फ्रंट योक जो राउंड शेप आती है फ्रंट की शेप आती है वहाँ से वहाँ तक नापना होता है मार्जन विद मार्जन और नेक को आप दो तरह से नाप सकते हैं लेंथ वाइज और डाइनर दोनों तरह से और स्लीव्स को आप जितनी रेडी है उतना ही नापिए मार्जिन आप बाद में एक्स्ट्रा नाप सक रख सकते हैं और इसमें जो बेसिक नाप जो होते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ इसमें तो फुल स्लीव्स बनाना था तो मैं आपको नाप के दिखा रही थी कि कैसे नापा जाता है फुल स्लीव्स उन्होंने मैंने उनके आर्म से ही नापी थी और ये जो है इसमें बैक नेक है इसको एकदम सेट करके रख लेंगे इसको मैं डाइगनल ही नापूंगी क्योंकि ये डीप नेक था तो थोड़ा सा सेट करने में दिक्कत हो रही थी आप चाहें तो लेंथ वाइज भी अच्छे से नाप सकते हैं तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं तो फाइनली जो है ब्लाउज़ का जो नाप है तकरीबन हमने ले लिया है जो जो नाप इसमें होते हैं लेंथ चेस्ट वेस्ट फ्रंट योक 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 और आर्म होल भी आप इसमें से ले सकते हैं या तो फिर आप चेस्ट के अकॉर्डिंग आप आर्म होल निकाल सकते हैं उसका कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूँगी तो आर्म होल जो हमें निकालना होता है वो चेस्ट से आप निकाल सकते हैं जैसे चेस्ट का आप वन फिफ्थ ले सकते हैं तो वन फिफ्थ चेस्ट का ले लीजिए और अब हम इसकी कटिंग करेंगे कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड रख लिया है ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखा है यहाँ से मैंने टू इंच मार्क किया है फोर फोल्डिंग और ऊपर से मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा और लिया है लेंथ लेके वो शोल्डर के लिए लिया है तो टू इंच ये मैंने फोल्डिंग के लिए छोड़ के फिर लेंथ ले, ले लेंगे लेंथ में हाफ़ इंच और प्लस करेंगे फोर शोल्डर जॉइंट के लिए तो ये मैंने मार्किंग कर ली है लेंथ की इसमें जो फैब्रिक से नाप लिया होता है इसमें आपको कुछ भी कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है शोल्डर आपने जितना लिया है नाप के उतना ही रख लेंगे क्योंकि हमने स्ट्रेच करके शोल्डर नहीं नापना है सिर्फ चेस्ट का जो नापा था उसी में थोड़ा सा स्ट्रेच करके नाप नापना होता है तो ये हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है आगे की तरफ से फॉर पट्टी हुक पट्टी के लिए और यहाँ से ये देखिए यहाँ से शोल्डर मैंने हाफ करके लिया है शोल्डर मैंने फुल जो नापा था तो उसका हाफ कर लिया है ये मार्क कर लिया है नीचे से भी मार्क कर लेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए और ये देखिए यहाँ से आर्म होल लेंगे आर्म होल आप चाहे तो जो आपका ब्लाउज़ आया है उससे भी नाप सकते हैं इस तरह से साइड से नाप लीजिए जितना आ रहा है उतना ले लीजिए थोड़ा सा हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे क्योंकि ऊपर से कट भी है हुआ हुआ है हुआ होता है सॉरी और मार्जिन में भी हाफ इंच जाता है तो इसलिए थोड़ा सा हाफ इंच एक्स्ट्रा ही ले चलेंगे जितना स्टिच में आया है तो हाफ इंच मैंने डाउन भी ले लिया है यहाँ से लेंगे फ्रंट योग फ्रंट योग जितना आपने नापा है उतना ही जितना आएगा उतना ही रखेंगे क्योंकि मार्जिन विद मार्जिन हमने नापा था तो इसमें एक्स्ट्रा या कम कुछ भी नहीं करना है फ्रंट योग में तो चेस्ट मैंने जितनी हम हमारे सॉरी जितनी हमने नापी है उत, उसका हाफ़ लेंगे इसमें कुछ भी लूजिंग नहीं ऐड करना है नाप को टाइट करना है और हाँ वेस्ट में आपको जरूर थोड़ा सा वन इंच एक्स्ट्रा लेना होगा फोर डार्ट सेवन इंच मेरी वेस्ट थी हाफ़ करके फोर फोर्टीन थी तो उसमें वन इंच मैंने ऐड किया था फोर डाट के लिए और वहाँ यहाँ से हम मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे दे, डेढ़ डेढ़ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो अब यहाँ से मैं लूँगी बस्ट पॉइंट बस्ट पॉइंट मेरा आया था नाइन इंच तो नाइन इंच में मैंने हाफ इंच और प्लस करना है क्योंकि हाफ इंच ऊपर से स्टिचिंग में चला जाएगा है, और विर्थ वाइज मैंने साढ़े तीन इंच लिया है इसी को नीचे डाउन कर लेंगे तो ये जो विर्थ की सॉरी डाट की जो विर्थ होती है ये हम चेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं साइज ये बहुत ही कम था तो इसीलिए इसमें ज़्यादा चौड़ाई नहीं आई है वन इंच डाट मैंने ली है वर्थ डांट की और यहाँ से ये डेढ़ डेढ़ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से डेढ़ इंच इस तरफ से लेंगे और डेढ़ इंच इसकी दूसरी साइड से लेंगे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे तो यहाँ से जो सेंटर डाट होती है उसको हम मेन डांट से हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हैं और ये वेस्ट डांट जो होती है वन इंच ऊपर की तरफ लेते हैं वेस्ट लाइन से और जो सेंटर डार्ट से डेढ़ इंच की दूरी पे इसको हम डायगनल जॉइंट कर लेते हैं और शोल्डर डार्ट जो होती है हमारी वो टोटल थ्री इंच की ही होती है और सेंटर डाट मैंने आपको बता दिया ये जो मेन डाट से डेढ़ इंच दूरी पे और हाफ इंच ऊपर की तरफ अबव साइड होती है तो अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग फाइन जो मार्किंग जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ रिवाइंड करके आप चेक कर सकते हैं देख सकते हैं मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश की है यहाँ से मैंने वन हाफ इंच ही एक्स्ट्रा लिया है पट्टी के लिए मैंने पहले ही बताया था जैसे कि तो ये फ्रंट पार्ट की तो कटिंग हो चुकी है अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी अगर आप कोई और ब्लाउज में डिज़ाइन देखना चाहते हैं किस तरह से बनेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो फ्रंट पार्ट की तो कटिंग हो चुकी है अब अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग इस ये हम फोल्डेड साइड से ही कट करेंगे तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है इसको रख के कट करेंगे फोल्ड करके रख लिया है फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा पट्टी के लिए लिया था उसको बाहर की तरफ रख ले रख देंगे उसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा है पट्टी के लिए वो मार्जिन नहीं ऐड करेंगे हम बैक पार्ट में बैक पार्ट पीछे की तरफ से बंद होगा ये फ्रंट से ओपन है तो ये देखिए मेरा ये आ गया है यहीं से अब इसकी हम मार्किंग कर लेंगे सेम एज इट और यहाँ से जो आर्म होल की शेप है थोड़ी सी चेंज होगी वन इंच थोड़ी सी बाहर की तरफ मैंने ये ली है और बाकी सब हम सेम कट करेंगे यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और लेंथ में आप हाफ इंच थोड़ा कम कर सकते हैं तो मैंने तो पूरा ही ले लिया था हाफ इंच आप कम ले सकते हैं क्योंकि फ्रंट में टू इंच इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें हमारी डार्ट्स पड़ती हैं तो इससे फैब्रिक कम हो जाता है लेंथ में और बैक में तो सिर्फ टू डार्ट्स पड़ती हैं उसमें कुछ भी कम नहीं होता जितना हम रखते हैं उतना ही रहता है तो ये बॉर्डर जो है मैं वो स्लीव्स में लूँगी इसको मैंने फोर डबल फोल्ड और कर लिया ये फ़ोर फोल्ड हो गया है फोर टू पीसीज हैं अब हम स्लीव्स की जो नीचे जो है हाफ इंच की जो फैब्रिक uh, एक्स्ट्रा था उसी को हम फोल्ड कर देंगे किनारी है लेंथ हम ले लेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंथ में और लेंगे फोर शोल्डर जॉइंट के लिए और यहाँ से हम लेंगे शोल्डर डाउन कैसे निकाल लेना है ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन uh, होता है कि समझ में नहीं आता है तो आप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है आप चेस्ट साइज uh, आपको पता होना चाहिए चेस्ट साइज जितना है उसका बारवा हिस्सा हम निकालेंगे Uh, यानी कि अगर थर्टी टू साइज है तो ट्वेल्व से आप उसको भाग कर तो दीजिए साइज को ट्वेल्व से भाग कर देंगे तो हमारा जो है शोल्डर डाउन अपने आप निकल कर आ जाएगा तो जितना आएगा आप उतनी ही दूरी से शोल्डर डाउन कर सकते हैं तो ये देखिए यहाँ से मेरा शोल्डर डाउन आया था पौने तीन पे तो मैंने ये मार्क कर लिया है अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे अगर आपको ये लाइन भी कितना हमें शेप देनी है ये दूरी कितनी जो मैंने लगा रही मार्किंग कितनी या तो आप फ्रंट पार्ट से आप योग को नाप लीजिए सॉरी आर्म होल को नाप लीजिए उतना रख लीजिए या फिर आप चेस्ट का वन फिफ्थ निकाल लीजिए चेस्ट का पाँचवा हिस्सा निकाल लीजिए आपका आराम से निकल आएगा कि शेप कितनी दे कहाँ से हमारी स्टिचिंग आएगी आर्म होल की जो स्लीव्स में जो शेप थी है उसकी शोल्डर डाउन तो आपको समझ में आ गया होगा कितना लेना है चेस्ट का बारवाँ हिस्सा लेना है और जो शेप कहाँ तक आएगी वो दूरी कितनी होगी स्टिचिंग कहाँ से लगेगी वो हम चेस्ट का फिफ्थ भाग लेते हैं पाँचवा हिस्सा तो ये देखिए मेरी जो स्लीव्स है कट हो चुकी है आई होप कि आपको स्लीव्स भी अच्छे से समझ में आई होगी तो स्लीवस और, और भी मेजरमेंट के से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उतनी ही ज़्यादा आपके साथ शेयर करूँगी ज़्यादा लोग बात करते हैं तो और अच्छे से बताने में मज़ा आता है अच्छा लगता है ज़्यादा फैमिली बड़ी होती है तो, तो ये देखिए नेक की कटिंग मैंने कर ली है और यहाँ पे मैं करूँगी हुकाई पट्टी की कटिंग तो टू इंच की पट्टी मैंने यहाँ पे मार्क किया है ये पट्टी हम हुक पट्टी जहाँ पे बनाते हैं वो उसके लिए लिया है हुक पट्टी के लिए टू इंच की और फोर इंच की पट्टी मैंने ली है आ, हाई जो बनाते हैं उसके लिए तो इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे इसकी लेंथ आप थोड़ी सी ज़्यादा है रखी रखिए नेक की तरफ से नाप लीजिए और वन इंच एक्स्ट्रा ही लेते हुए रखेंगे क्योंकि बाहर की तरफ आनी चाहिए ये डाइगनल पट्टी जो मैं कट कर रही हूँ ये नेक के लिए है नेक की फोल्डिंग के लिए तो ये देखिए इसको डाइगनल कट कर लेंगे और सवा इंच की पट्टी हम कट करेंगे सवा इंच की पट्टी की वर्थ कट करेंगे तो इस सवा सवा इंच की मार्किंग कर लेती हूँ मैं और इसको कट कर लूँगी ऐसे ही दो तीन पट्टियाँ आप कट कर लीजिए और आपकी जो नेक के लिए रेडी हो जाएंगी तो ये देखिए इसके साथ ही हमारा जो ब्लाउज़ की कटिंग है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है आई होप के आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया आप पूछ सकते हैं या आप रिवाइंड करके देख सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश की है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा